हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर की कचौड़ी। खाने में काफी क्रिस्पी और टेस्टी होती है। इसे बनाने का तरीका भी काफी आसान है। चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। सबसे पहले हमें लेना है हरी धनिया, सौंफ और थोड़ी सी जीरा। उसको अच्छे से थोड़ा सा 1 मिनट तक भून लेंगे। भूनने के बाद उसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और बाद में हम उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मोटा दरदरा सा इसका पाउडर बना लेंगे। फिर हम लेंगे थोड़ी सी मटर, उसमें डालेंगे हम लहसुन, हरी मिर्च। आप अपने साथ डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे 4 डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो कि आपको कितनी डालनी है। मटर को आपको 1-2 मिनट तक तब तक चलाना है जब तक ये ऊपर से मॉइस्चर ना छोड़ने लगे। मॉइस्चर छोड़ने के बाद आप इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट कितना परफेक्ट बना है। अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई, उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल और हमने जो खड़े मसाले ग्राइंड किए थे उसको भी डाल देंगे और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा बेसन। जब तक हमारा बेसन भुन रहा है तब तक हम बना लेंगे हमारा कचौड़ी का आटा। तो उसके लिए हमें लेना है थोड़ा 3 कटोरी बेसन, उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा रिफाइंड, और रिफाइंड को तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आपका तेल अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर हम उसमें पानी डाल के उसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। और फिर हम उसे 10-15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। फिर हम बेसन में, जब आपका बेसन भुन जाए तो हम उसमें डाल देंगे अपने हमने जो मटर का पेस्ट बनाया था, मटर, लहसुन और हरी मिर्च का, उसको हम इसमें डाल देंगे। और डाल देंगे हम गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया सजी हुई, और इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके आप देख सकते हैं कि हमारी फिलिंग बनके तैयार है। डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक और आपकी फिलिंग बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब समय आ गया है कचौड़ी बनाने का। कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ा सा रिफाइंड और अपने आटे की हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर लोइयों को हम थोड़ा सा चपटा कर लेंगे ताकि हम उसमें अपनी फिलिंग भर सके। चपटा करने के बाद हम उसमें भर देंगे उसमें थोड़ी सी फिलिंग और इसको बंद करके रख देंगे। इसी तरह सब में सभी लोइयों में हम अपनी फिलिंग्स भर देंगे। और उन्हें तेल में डाल देंगे सभी को फिलिंग्स भरने के बाद। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो फिलिंग भर के नॉर्मली डाल सकते हो या फिर अगर आपको थोड़ा पूड़ी शेप में चाहिए तो आप उसको बेलकर भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने बेलकर डाला है क्योंकि मुझे थोड़ा पूड़ी शेप का चाहिए था, थोड़ा बड़ी चाहिए था मेरे को। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अगर आपको छोटा चाहिए तो आपको बेलने की जरूरत नहीं है, अगर आपको थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप बेल सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कचौड़ियाँ हल्की ब्राउन हो चुकी हैं, इसका मतलब वो बन चुकी हैं। देखने में काफ़ी क्रंची लग रही हैं। हमारे आलू की सब्जी बनके तैयार है। डाल देंगे इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और यहाँ पर हमारी रेसिपी बनके तैयार है। आई होप यू लाइक इट। और आप अंदर से भी कितनी परफेक्ट बनी है, कचौड़ियाँ भी देख सकते हैं कितनी मस्त फूली है। सो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।